आईपीएल 2021 को लेकर फैंस में बेकरारी जबरदस्त है। इस बार न सिर्फ टीमों में भिड़ंत है बल्कि टीम इंडिया के नजरिए से नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी के बीच भी टक्कर दिलचस्प होने वाली है। ऐसे में सभी की निगाहें हरफन मौला युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत और कैप्टन कूल नाम से दुनिया में विख्यात महेंद्र सिंह धोनी पर रहने वाली है। कमाल की बात तो ये है कि धोनी को गुरु मानने वाले ऋषभ पंत उन्हीं के खिलाफ बतौर कप्तान आईपीएल में डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में सभी का रोमांच गुरु और चेले की जंग देखने में। दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर इस साल आईपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में उन्हें कंधे में चोट लग गई थी, इसलिए उनकी जगह मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को कप्तानी की जिम्मेदारी दी है। बतौर कप्तान पंत का पहला मुकाबला उन्हीं के आदर्श महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होना है। पंत के लिए यह पहला मौका होगा जब वो इतने बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। ऋषभ पंत मेंटर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपनी कप्तानी पारी की शुरुआत करने के लिए काफी बेताब है। इस मैच में धोनी के खिलाफ दिल्ली की कप्तानी को लेकर वो काफी उत्सुक हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो इस दिग्गज पूर्व कप्तान से सीखे गुर का इस्तेमाल शनिवार को आईपीएल मुकाबले में उन्हीं की टीम को हराने के लिए करेंगे। यानी पंत कप्तानी में धोनी की तरह ही कमाल करने के लिए एकदम तैयार है। धोनी के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के बारे में बात करते हुए पंत ने कहा, मेरा पहला मैच बतौर कप्तान माही भाई के खिलाफ है, ये मेरे लिए अच्छा अनुभव होगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा अनुभव है। मैं धोनी से सीखी हुई चीजों की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुछ अलग करूंगा। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हमने अब तक एक बार भी कोई टाइटल नहीं जीता है। पिछले 2-3 साल से हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी तैयारी भी अच्छी चल रही है। हर कोई अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है, हर कोई अपना 100% देने को तैयार है। टीम का वातावरण बहुत अच्छा है और एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं। आपको बता दें, पंत को हमेशा से ही धोनी का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। वो खुद धोनी के बहुत करीब है, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब देखना होगा कि 10 अप्रैल को होने वाली इस गुरु शिष्य की जंग में कौन विजयी होकर सीजन की धुआंधार शुरुआत करता है। बहरहाल इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।